बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताऊंगी हम हल्दी से घर पे किस तरह से गोरा चिट्टा निखार पा सकते हैं। जी दोस्तों, हल्दी से हम बिल्कुल गोरा निखार पा सकते हैं। हल्दी येलो कलर आपके फेस पे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हल्दी आपको पता है कि पुराने ज़माने में भी जो राजकुमारियाँ रानियाँ होती थी, महारानियाँ होती थी, वो हल्दी की मदद से ही अपने चेहरे को निखारती थी, उपटन बनाती थी, फेस पैक बनाती थी और पता नहीं क्या क्या। तो आज मैं आपको हल्दी से एक ऐसा एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल फेस पैक बना के दिखाऊंगी जिसकी मदद से हम गर्मियों में अपने चेहरे को प्रॉपरली निखार सकते हैं, सन टैन से छुटकारा पा सकते हैं, चेहरे को डीपली हेल्दी भी बनाएंगे और निखारेंगे भी, सूद सपल भी बनाएंगे, एज इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल में भी कर पाएंगे। दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके जो साइंस हैं या फिर एज का जो इफेक्ट है, असर है, हमारे फेस पे नजर आना शुरू हो जाता है, स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है और यू नो रिंकल्स शुरू हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस और चिक एरिया पे पता चल जाता है कि यार मतलब बंदा जो है ना बढ़ती उम्र की तरफ जा रहा है। तो हम किस तरह से उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को हमने कैसे बनाना है जिससे हम बढ़ती उम्र के असर को कंट्रोल में कर पाए, राजकुमारी जैसा निखार हम अपने चेहरे पर लेकर आज की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने किचन का हल्दी लिया है, किचन का हल्दी मैंने इतना ही लिया है, ये आधे से थोड़ा सा कम है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है और एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। दोस्तों पुराने ज़माने में महारानियाँ, राजकुमारियाँ सभी इसका इस्तेमाल करती थी। ये हमारी स्किन के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है, चेहरे को निखारता है और उपटन बनाने में भी हल्दी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं ये हल्दी इतना ही जो हल्दी है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ले रही हूँ। दोस्तों एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं जो हमारे चेहरे को डीपली हेल्दी और निखारने में बहुत मदद करती हैं। और अब दोस्तों मैं इसके अंदर जो चीज़ ले रही हूँ वो है दही। दही नियर अबाउट 2 चम्मच मैं दही के इसके अंदर मिक्स करूँगी जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो 2 चम्मच दही मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ और साथ में मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ 1/2 लेमन। लेमन को हम इसके अंदर निचोड़ लेंगे, नियर अबाउट 1 चम्मच लेमन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, तो यस 1 चम्मच आप लीजिएगा, 1 चम्मच लेमन। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, ये हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, हमारी स्किन को 1 से 2 लेयर तक लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं इसके अंदर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो गाइज अब चीज़ आती है स्मूथ और सप्पल करने की। देखिए ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद हमने अपनी स्किन से जो फाइन लाइन्स होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उन्हें भी रिमूव करना है। उसे रिमूव करने के लिए हम हनी का इस्तेमाल करेंगे। नियर अबाउट 1/2 चम्मच मैं हनी लूँगी। हनी मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1/2 चम्मच हनी का मैं इसमें यूज़ ले रही हूँ। हनी दोस्तों रिंकल्स को रिमूव करने में बहुत बेनिफिशियल होता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, चेहरे की फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, एज के इफेक्ट को ख़त्म करता है। तो हनी भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो गई है, बहुत अच्छी रेमेडी तैयार हो गई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा टाइट और ब्राइट भी बनाऊंगी ताकि स्किन को टाइट जो है, हमारी स्किन जो लूज़ है वो भी टाइट हो पाए। तो अब मैं इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी मिक्स करूँगी। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी हर घर में बड़े आराम से आपको मिल जाएगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों नियर अबाउट 1 चम्मच मैं इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास काउलिन क्ले है तो वो भी मिक्स करें। मैं इसके अंदर अभी काउलिन क्ले नहीं डाल रही हूँ, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा और चीज़ कोई भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसमें मुझे कोई गुलाब जल, पानी, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये फेस पैक जो है एज इट इज़ इसी तरह से बन गया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बाज़ार से परचेज़ नहीं की है। बड़े आराम से मैं इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकती हूँ। ये स्किन को लाइटन करेगा, ब्राइट करेगा और स्किन को टाइट भी करेगा। आपकी स्किन जो ढीली हो जाती है उसको टाइट करने में भी ये फेस पैक बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कोई भी येलो कलर नहीं है, फेस एकदम गीला है अभी एंड फेस पे कोई येलो कलर नहीं है। आप इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बहुत बेस्ट है। फेस एकदम स्मूथ सॉफ्ट हो गया है, स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है।
सो एवरीबडी, आई एम श्योर आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आई होगी और इसे बनाकर ट्राई करके जरूर देखिएगा। कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मेरी वेबसाइट पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वहां पे भी रेमेडी चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे नहीं जाना है तो आप मुझे नीचे यहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं हुई तो मुझे कमेंट करें। एंड गाइज, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि हेल्दी से वो भी अपने चेहरे को डीपली हेल्दी नरिश कर पाए, अपनी स्किन को सूद एंड सप्पल कर पाए। तो गाइज, अब मैं आपको नई वीडियो नई रेमेडी के साथ मिलूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल का रेड कलर अभी भी आपको रेडी दिख रहा है वीडियो के नीचे जो बटन है, तो उस पर क्लिक करके उसे ग्रे कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी नई वीडियो और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।